दोस्तों, आप सबने मुझसे कल ही वीडियो ये टॉपिक पे सजेस्ट की थी और आज ही वीडियो आपके लिए आ चुकी है। C.07 में रियलमी X2 में जो रिसीव हुआ है, इसका फुल चार्जिंग टेस्ट आपके सामने लेकर हाजिर हूँ मैं। उससे पहले आपको मैं कुछ क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने जो कल वीडियो डाली थी कि 20% का बैटरी ड्रेनिंग और बैटरी चार्जिंग टेस्ट मैंने क्यों पोस्ट किया था। देखिए दोस्तों, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए जो ऑप्टिमाइजेशन है वो 20% की जो चार्जिंग होती है और जो उसका बैकअप होता है 20% का, वो रिवील कर देता है। तो हमारा जो ये अपडेट है C.07, इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो मैंने आपको रिव्यू में बताया था वीडियो के एंड में कि बैटरी बैकअप C.07 का बढ़िया है। तो एक तरह से जो ऑप्टिमाइजेशन है उसका रिवीलेशन हमें 20% के अंदर पता चल जाता है। तो आपने भी अंदाज़ा लगाया होगा कि इस अपडेट से आपको बैटरी बैकअप में सुधार देखने को मिला है। खैर, हम इस वीडियो में अभी जानने वाले हैं कि बैटरी की चार्जिंग स्पीड में क्या सुधार आया है या घटिया हुआ है या फिर क्या है। तो गाइस, यहाँ पे मेरा रियलमी X2 चार्ज हो रहा है और ये 16 मिनट के चार्जिंग के पश्चात यहाँ पे कितना इसने बैकअप किया है, 28% का बैकअप मुझे मिला है। बैकअप बोले तो बैटरी चार्ज हुई है और 31 मिनट के बाद दोस्तों जो हमें बैटरी में गेनिंग देखने को मिली है परसेंटेज में, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो हमें बैटरी में गेनिंग मिली है 31 मिनट के बाद दोस्तों, लगभग 31 मिनट के बाद, 32 मिनट के बाद, तो 50% की गेनिंग देखने मिली है। एक तरह से अगर आप मानिए तो 30 मिनट में 48% की गेनिंग देखने मिली है। तो अगर मैं रियलमी X2 के 30 वाट की बात करूँ तो 30 वाट का मतलब है कि ये एक घंटे, आधे घंटे में 65% चार्ज कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर मैं C.06 की बात करूँ तो वो चार्ज कर देता था आधे घंटे में 65%। लेकिन दोस्तों क्या था कि वो एंड में जाके बहुत स्लो चार्ज करता था। लेकिन दोस्तों, ये जो अपडेट है C.07, ये बैलेंस होकर आया है। कैसे, मैं आपको इसमें रिवील करने वाला हूँ। अभी हमारा जो डिवाइस चार्ज होते होते एक घंटा हो चुका है और एक घंटे में हमारा जो रियलमी X2 गेनिंग कर किया है, इसने 36% की गेनिंग की है, मतलब 85% इस पे ये आया है। शुरुआत के आधे घंटे में इसने 48 से 49% गेनिंग किया, उसके बाद दोस्तों इसने 36% की गेनिंग करते हुए 85% पे ये आया है। और एक घंटा 15 मिनट में इसने 93, मतलब कि दोस्तों अभी देखिए, पहले क्या था कि ये जो 85% के बाद एक घंटे के चार्जिंग के बाद बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था चार्जिंग आफ्टर रियलमी UI, लेकिन जब से ये C.07 अपडेट मुझे मिला है और आपको मिला है, इसमें 85% के ऊपर, मतलब एक घंटे की चार्जिंग के ऊपर भी आपकी चार्जिंग 98% तक चार्जिंग फास्ट होती है, उसके बाद फिर स्लो हो जाती है। अभी देखिए, एक घंटा 30 मिनट के बाद दोस्तों यहाँ पर 98% की चार्जिंग है। जैसे मैंने आपको दिखा था, एक घंटा पंद्रह मिनट पे हमारे 93 थी, अब हमारा 93 के बाद हमारी चार्जिंग स्लो हो जाती है और बिल्कुल, मतलब स्लो हो जाती है और एकदम नॉर्मल चार्जर की तरफ बिहेव करने लग जाता है। लेकिन इससे पहले जो अपडेट था वो दोस्तों 85 के बाद ही ऐसा बिहेव करने शुरू कर देता था। अभी देखिए, अभी हमको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट फुल चार्ज होने में कितना टाइम लेता है। जैसा कि आपको दिखाया, एक घंटा 48 मिनट बैठ चुका है और अभी भी ये 99% पर है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि भाई ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ़ोन का चार्जर बचा रहे, हीट ना करे, मोबाइल फटे ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 2020 का टाइम है तो बहुत सारा फ़ोन एडवांस हो चुका है, सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब एडवांस है। तो ऐसा सब कुछ नहीं है, पहले ही होता था कि चार्जिंग स्लो कर दी जाती थी क्योंकि फट जाते थे मोबाइल, बट ऐसा अब कुछ नहीं है। वो ऐसे ही नाम नहीं पड़ा इसका, आप सर्च मारेंगे तो आपको पता चलेगा। तो गाइस, यहाँ पे 99 पे अभी भी अटका हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों, आप सब मुझसे ये पूछ सकते हैं कि मैं स्विच ऑफ़ करके क्यों चार्ज करता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं स्विच ऑफ़ करके नहीं चार्ज करूँगा तो डिस्प्ले ऑन रहेगी और डिस्प्ले हमारी फुल HD है और बैटरी ड्रेनिंग कर सकती है और हार्डवेयर है और इतनी बड़ी डिस्प्ले है, तो जाहिर सी बात है बैटरी ड्रेन होगी और हमारा फास्ट चार्ज प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, करेगा बिल्कुल, बट मुझे उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे हमारा एक घंटे 49-48 मिनट में 100% की चार्जिंग मिली है। मिलता हूँ नोटिस साथ।